अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हकीम अहमद में। दोस्तों, आज के समय में डायबिटीज़ होना एक आम बात हो गई है। सिर्फ अधिक उम्र के लोग ही नहीं बल्कि आज के समय में बहुत से बच्चे भी डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है कि 40-50 साल की उम्र के बाद जैसे डायबिटीज़ पहले शुरू हुआ करती थी, आज के समय में बच्चे भी और डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज़ देखने को मिल रहे हैं। अब बदलते माहौल और लाइफस्टाइल के कारण डायबिटीज़ ने छोटे बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। डायबिटीज़ किस तरह से होती है, इसके क्या कारण होते हैं, डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है, आज मेरे दोस्तों आपको कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं सवालों के जवाब, आखिर डायबिटीज़ होता कैसे है, इसके क्या कारण होते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर की पेंक्रियाज ग्रंथि को ठीक से काम ना करने पर या पूरी तरह से बेकार होने से डायबिटीज़ हो जाती है। हालांकि डायबिटीज़ होने के और भी कई कारण हैं, मैं आज आपको सभी कारणों के बारे में बताता हूँ। दरअसल पेंक्रियाज ग्रंथि के से तरह तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, इनमें से इंसुलिन और ग्लूकान। इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। इंसुलिन के जरिए हमारे रक्त में हमारी कोशिकाओं को शुगर मिलती है, यानी इंसुलिन शरीर के अन्य भागों में शुगर पहुंचाने का काम करता है। इंसुलिन द्वारा पहुंचाई गई शुगर से ही कोशिकाओं या सेल्स को एनर्जी मिलती है। डायबिटीज़ का कारण है इंसुलिन हार्मोन का कम निर्माण होना। जब इंसुलिन कम बनता है तो कोशिकाओं तक और रक्त में शुगर ठीक से नहीं पहुँच पाता, जिससे सेल्स की एनर्जी कम होने लगती है और इसी कारण से शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है। जैसे बेहोशी आना, दिल की धड़कन तेज होना इत्यादि, ये सभी शुगर की पहचान होती है। शुरुआत में मरीज को चक्कर से आने लगते हैं, दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। दोस्तों डायबिटीज़ के कारण इंसुलिन के कम निर्माण से रक्त में शुगर अधिक हो जाता है, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा कम होने से रक्त में शुगर जमा होती चली जाती है, जिससे कि इसका निष्कासन मूत्र के जरिए होता है। इसी कारण डायबिटीज़ रोगी को बार बार पेशाब भी आता है। डायबिटीज़ के होने के और भी कारण हैं, ये आनुवंशिक भी होता है। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य माँ बाप भाई बहन में से किसी को होगा तो भविष्य में आपको भी डायबिटीज़ होने की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों डायबिटीज़ का सबसे बड़ा जिम्मेदार मोटापा भी है। आपका समय पर ना खाना, बहुत अधिक जंक फूड खाना या आपको मोटापा बढ़ना भी डायबिटीज़ का मुख्य कारण है। आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, आपका बीपी हाई है और कोलेस्ट्रॉल भी संतुलित नहीं रहता, तो समझ लीजिएगा आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। बहुत अधिक मीठा खाने, नियमित रूप से बाहर का खाना खाने, कम पानी पीने, एक्सरसाइज ना करने, खाने के तुरंत बाद सो जाने या ज़्यादा समय तक लगातार बैठा रहना इत्यादि कारण भी डायबिटीज़ को जन्म दे सकता है। वर्तमान में बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ का मुख्य कारण उनका रहन सहन और खान पान है। दोस्तों आज के समय में बच्चे फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं, इसके साथ ही शारीरिक रूप से निष्क्रियता भी बच्चों को डायबिटीज़ और की ओर अग्रसर कर रही है। यदि आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार डायबिटीज़ से बचे, तो उसके लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना ज़रूरी है, जिसमें एक्सरसाइज और फूड को खास प्राथमिकता दें। लेकिन दोस्तों अगर हमारे घर में या परिवार में या किसी पड़ोसी को भी डायबिटीज़ की समस्या है, तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखता है। दोस्तों इसमें आपको छिला हुआ लहसुन लेना है, इसमें आपको चार चीज़ें लेनी है। वे चार चीज़ें हैं, पहला छिला हुआ लहसुन, दूसरा अदरक, तीसरा पुदीना और चौथा अनारदाना खट्टा। दोस्तों ये चार चीज़ें आपको तैयार रखनी है। मैं आपको इनकी मात्रा बता देता हूँ, आपको कितना कितना लेना है। छिला हुआ लहसुन आपको 25 ग्राम लेना है, अदरक 50 ग्राम लेना है, पुदीना 50 ग्राम लेना है और अनारदाना खट्टा 50 ग्राम लेना है। इन चारों चीज़ों को पीसकर चटनी बना लें और नियमित रूप से सुबह, दोपहर और शाम को एक एक चम्मच खाएं। नियमित रूप से चेकअप कराते रहें। पुरानी से पुरानी शुगर, यहाँ तक कि शुगर की वजह से जिस मरीज के जिस्म के किसी हिस्से को काटने की सलाह भी दी गई हो, तो तब भी ये चटनी बहुत फ़ायदेमंद होती है। जब शुगर पूरी तरह से नियंत्रित हो जाए तो नियंत्रित रखने के लिए सिर्फ एक चम्मच चटनी शाम को लेते रहे। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत ही कामयाब नुस्खा है। बड़े बड़े हकीमों ने इस नुस्खे को सही ठहराया है।
दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।